दोस्तों स्वागत है आपका विंग्स एक उड़ान पे। मेरा नाम है पंकिल कपूर। आज दोस्तों हम कंप्यूटर का नेक्स्ट लेक्चर जो है इसमें पढ़ने जा रहे हैं जो हमारी कुछ रिमेनिंग इनपुट डिवाइसेस रही थी। जैसे कि हम पढ़ेंगे टच स्क्रीन क्या होता है, देन हम उसके बाद आ जाएंगे टच स्क्रीन के नेक्स्ट पॉइंट पे, हमने समझना है बायोमेट्रिक सेंसर, फिर बार कोड रीडर देखेंगे हम बार कोड रीडर क्या होता है, उसके बाद वेब कैमरा क्या है, माइक्रोफोन क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये टोटल 6 इनपुट डिवाइसेज है जिनके बारे में आज हमने पढ़ना है। ये इनपुट डिवाइसेज जो हैं ये डिफरेंट डिफरेंट कामों में या डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप देखेंगे कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है और क्या इनके पीछे फंक्शनिंग क्या है इन सभी की। मैं आपको दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने का समय, आप लीजिए, देन वी विल स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले आता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होता है, देखो आपको पता है कि आज के टाइम पे हमारे पास मोबाइल्स जो आ गए हैं वो टच स्क्रीन वाले आ गए। एक समय था, एक ऐसा समय था जब हम कौन से मोबाइल्स यूज़ करते थे, बटन्स वाले। और मुझे आज भी याद है, शायद आप में से काफ़ी बच्चों को, काफ़ी स्टूडेंट्स को ये याद होगा कि उस समय पे नए नए जब इंट्रोड्यूस किए गए थे कौन से मोबाइल्स टच स्क्रीन वाले, तो उनका टच जो था वो सेंसिटिव नहीं था और हमें मज़ा भी नहीं आता था वो मोबाइल्स यूज़ करने में। और मुझे याद है मैंने एक नया मोबाइल लेना था और उस समय पे कोई नोकिया का एक टच स्क्रीन मोबाइल आया और मेरे किसी फ्रेंड ने लिया था, तो मैंने देखा यार उस टच स्क्रीन के साथ मुझे मज़ा नहीं आ रहा मोबाइल यूज़ करने का। और मैं सोच रहा था ये क्यों ले रहे हैं टच स्क्रीन मोबाइल, क्या बेनिफिट है इसका। मुझे उस समय अच्छा लगता था वही जो कीपैड वाले जो मोबाइल्स होते थे, और मुझे लगता था कहाँ ये टच स्क्रीन वाले मोबाइल चलेंगे, ठीक। बट देखो वक्त के साथ अब जो टच स्क्रीन के मोबाइल्स आ रहे हैं, ऐसी ऐसी उसके साथ ऑप्शंस, ऐसे ऐसे फंक्शंस जो हैं अवेलेबल हैं जो कि हम पहले सोच भी नहीं सकते थे, हम बिल्कुल नहीं सोच सकते थे। आज हम ऐसे ऐसे मतलब हम ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे हम फंक्शंस जो हैं उनको काम में ला सकते हैं जो कि कीपैड के जरिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तो इसका मीनिंग आप खुद सोचिए कि टच स्क्रीन जो है ये हमारे लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है। बट प्रॉब्लम ये थी, आज के जो टच स्क्रीन आ रही है, यहाँ पे जो टच स्क्रीन है ये है कैपेसिटिव टच स्क्रीन। और जो शुरुआत जब हुई थी टच स्क्रीन मोबाइल्स की, तब जो हमारे मोबाइल्स आए थे उनमें जो टच स्क्रीन थी वो थी रेजिस्टिव टच स्क्रीन। और रेजिस्टिव टच स्क्रीन में बहुत सारे फ्लॉज थे, जैसे बहुत बार ऐसा होता था कि हम क्लिक करते थे तो कहीं कहीं क्लिक होता ही नहीं था, और कभी अगर क्लिक करना भी है तो 3-4 बार क्लिक करना पड़ता था। बिकॉज वहाँ क्या होता था, वहाँ पे बेसिकली लेयर्स होती थी। किस तरह से लेयर्स होती थी मैं आपको बता दे, तो देखिए जैसे ये दो लेयर्स हो गई, तो हम इस लेयर पे टच करते थे, फिर आपस में ये वाला पॉइंट इसके साथ टच होता था और कहीं जाके हमने जिस चीज़ पे मतलब टच किया होगा वो फंक्शन हमारा खुलता था। तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव टच स्क्रीन का मीनिंग ये हो गया बेसिकली, वो इतनी आपको मैं बोलूँ इतनी सेंसिटिव नहीं थी, या मैं बोलूं इतनी इंटरेक्टिव नहीं थी जितनी आज के समय पे कैपेसिटिव टच स्क्रीन जो है वो इंटरेक्टिव है। बट ये चीज़ें तो चलो एग्जाम में पूछे वाली नहीं है, हमें फिर भी मालूम होना चाहिए था। मैं रिवीजन आपको दे रहा हूँ, पहले जो मोबाइल्स आते थे, पहले जो टच स्क्रीन होती थी वो रेजिस्टिव टच स्क्रीन होती थी, आज के समय पे जो आ रही है वो कैपेसिटिव टच स्क्रीन है। एकदम आपके फिंगर टिप को ही वो पहचान लेता है, जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया हो जल्दी से उसे सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। और एक पॉइंट मैं आपको और बताऊं, पहले पहले आपको याद होगा मोबाइल्स के साथ एक पेन टाइप स्टाइलस आता था, उस स्टाइलस को दिया जाता था कि आप इसके जरिए भी टच कर सकते हैं डिफरेंट पोजीशंस पे, और कितना ज़्यादा हमें नया नया देखने में बड़ा मज़ा आता, अच्छा हमें पेन भी मिल रहा है मोबाइल के साथ जिससे हम मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। बट रियलिटी में हमें जब वो ले लेते थे तो हमें लगता था यार ये कौन करेगा सिर खपाई बार बार ऐसे। बट गाइज आज के समय पे इतनी इंप्रूवमेंट हो गई है, इतने अच्छे अच्छे मोबाइल्स आ रहे हैं, इतनी अब तो लैपटॉप्स टच स्क्रीन वाले आ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्यों है, क्योंकि हम इसके जरिए इनपुट दे रहे हैं अपने मोबाइल को। तो देखिए टच स्क्रीन एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो कि एक्सेप्ट करती है इनपुट को जब यूजर जो है वो अपना फिंगर टिप स्क्रीन के ऊपर रखता है, या फिर वो स्टाइलस क्या होता है, वो जो छोटा पेन साथ मिलता है उसे स्क्रीन पर रखता है। टच स्क्रीन जनरली कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती है, देखो ATM में, हॉस्पिटल्स में, एयरलाइन रिजर्वेशंस में, सुपरमार्केट्स में, अलग अलग जगहों में टच स्क्रीन का इस्तेमाल होता है। और दो टाइप की टच स्क्रीन थी मैंने बताया, एक रेजिस्टिव टच स्क्रीन, एक कैपेसिटिव टच स्क्रीन। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है, बस पूछा ये जाएगा कि टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है या फिर एक
आउटपुट डिवाइस है। अभी आपको पता चल गया वो एक इनपुट डिवाइस है। आपको एक पॉइंट में और बताता हूँ गाइस, यहां से आपको शायद वो क्लियर हो जाए रजिस्ट्री वाली बात। आपको पता है देखो, आप एटीएम जब यूज करने जाते हो तो एटीएम में भी जो हमें टच करना होता है वो इतनी फ्रिक्वेंटली हमारा जो टच है उसे सेंस नहीं कर पाता, क्योंकि एटीएम्स में भी जो यूज हो रही है टच स्क्रीन वो रेजिस्टिव टच स्क्रीन है, वही जो पहले मोबाइल्स में इस्तेमाल की जाती थी। समझ रहे हो आप ये पॉइंट। फिर बात आती है बार कोड रीडर की। तो गाइज आपने बहुत बार देखा होगा कि हम सुपरमार्केट्स में जाते हैं, जैसे सुपरमार्केट इन द सेंस विशाल मेगा मार्ट हो गया जम्मू कश्मीर में है, उसके अलावा और भी जो दूसरी मार्केट्स है ईजी डे वगैरह हो गया या फिर अपना बेस्ट प्राइस हो गया, तो वहाँ पे जब हम जाते हैं तो हमने बहुत बार देखा है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और जब हमने उसकी बिलिंग करवानी होती है तो वहाँ पे शॉपकीपर के पास या फिर जो भी वहाँ पे उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पास एक हल्का सा हैंडहेल्ड डिवाइस होता है और वो उस हैंडहेल्ड डिवाइस के जरिए उस प्रोडक्ट के ऊपर जो एक लाइट हल्की सी फॉल करवाते हैं, रेड कलर की होती है। तो वो जो हैंडहेल्ड डिवाइस उनके हाथ में होता है उसे बोलते हैं बारकोड रीडर। तो बारकोड रीडर जो होता है वो भी एक इनपुट डिवाइस है, वो उधर से इनपुट लेता है। और बारकोड क्या होता है, कुछ इस फॉर्म में आपने जरूर कहीं ना कहीं बारकोड देखा होगा, जो कि स्ट्राइप्स होती है वाइट और ब्लैक लाइंस की, ऐसा होता है। तो अब आपको मैं बताऊं अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां क्या पूछा जाएगा, जस्ट ये कि बारकोड रीडर जो है वो एक इनपुट या एक आउटपुट डिवाइस है। बट मैंने आपको बताया बारकोड रीडर जो है ये काम क्या करता है। बेसिकली ये किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर उसको एक लाइट फॉल करवाता है और जिसकी वजह से वापस बैक आती है एक लाइट और उसे पता चलता है कि ये प्रोडक्ट का प्राइस क्या है और कितने प्रोडक्ट्स ऐसे हमारे पास पड़े थे, मान लो 50 पड़े थे, जब उन्होंने एक बेच दिया, सोल्ड कर दिया, जब उन्होंने इसकी बेसिकली लाइट फॉल करके इसका इनपुट लिया या दिया, तो उनको पता चल गया 50 में से एक चला गया, 49 रह गए, उनके जो सामने डेस्कटॉप होता है उसमें ये फीड हो जाता है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि यूज की जाती है रीडिंग करने के लिए जो प्रिंटेड बारकोड्स होते हैं प्रोडक्ट के ऊपर जिसे बेचना होता है। बारकोड रीडर करता क्या है, वो एक बीम ऑफ लाइट को पहले एमिट करता है, वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है इसको, इसके ऊपर रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है और हमें पता चलता है कि ये इसके अंदर बेसिकली इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ये जो बारकोड्स चिपकाए जाते हैं ना डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है, और वहां से ली जाती है। एग्जाम्पल सुपरमार्केट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ सॉफ्टवेयर है जो कि वेस्प है, बारकोड प्रो है, इन्हें इस्तेमाल किया जाता है प्रिंटिंग करने के लिए बारकोड्स की। मैं आपको बताऊं मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स इन इंडिया जो है उनके बारकोड्स 890 से शुरू होते हैं। और ऐसा क्यों, क्योंकि हर एक कंट्री को अलग अलग बारकोड जो है वो अलॉट किया होता है और एक कंपनी है, एकमात्र कंपनी है जो ये बारकोड्स जो है ये प्रोवाइड करती है डिफरेंट कंट्रीज को। बारकोड के साथ ही आपने एक क्यूआर कोड सुना होगा। क्यूआर कोड कौन सा होता है, लगभग इस शेप में, यहाँ पे एक स्क्वायर होता है, यहाँ एक स्क्वायर होता है, यहाँ होता है और यहाँ कुछ चीजें बनी होती है, होता है क्यूआर कोड ब्लैक कलर का जैसे हाँ। तो क्यूआर का फुल फॉर्म क्या हो गया, क्विक रिस्पांस कोड, ठीक है। तो क्यूआर तो हम पेटीएम के जरिए भी क्यूआर कोड करते हैं स्कैन और हम पैसे ट्रांसफर करते हैं, ऐसे बहुत चीजें होती है, बट क्यूआर कोड जो है वो आपके सिलेबस का नहीं है, आपके सिलेबस का है बारकोड रीडर। आई होप गाइज आपको ये समझ आ चुका होगा। प्रॉब्लम ये है जब शाम को यहाँ वीडियो बनानी होती है तो बहुत स्वेटिंग होती है क्योंकि बहुत ह्यूमिड मौसम है बाहर, रादर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है। नेक्स्ट पे आते, नेक्स्ट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। ऑप्टिकल मार्क रीडर भी जो है गाइज ये भी एक इनपुट डिवाइस है। बहुत बार आपने जब कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस दिए थे ऑफलाइन, मान लो आप में से बहुत सारों ने JKCET जम्मू एंड कश्मीर कंबाइंड जो इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है IEEE दिया होगा, तो और जो आपके इंस्टीट्यूशंस में स्कूल्स में भी बहुत बार जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्जाम्स होते हैं, तो एक शीट मिलती है, चार में से किसी एक को टिक करना होता है। JKSSB वाले भी अभी तक यही लेते थे, तो जब चार में से एक टिक करते हो और उस पर अपना रिस्पांस देते हो, फिर वो सब बच्चों से कलेक्ट कर दी जाती है और वो आपकी चेकिंग के लिए आगे जाती है, होता है ऐसा। अब गाइस खुद सोचो आप, क्या ये फीजिबल है, क्या ये मुमकिन है कि हर एक बच्चे का पेपर मैन्युअली चेक करना,
बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट, ऐसा नहीं है कि मुमकिन नहीं, बट बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि मान लो 2 लाख बच्चों ने एग्जाम दिए है और सिर्फ उस शीट के जरिए चेक करना कि इसने फोर्थ ऑप्शन टिक किया है, आंसर क्या है, फोर्थ है, ठीक है मार्क्स दो, ऐसा नहीं है। तो गाइज इस तरह से चेकिंग नहीं होती है, इसीलिए यूज किया जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो आपको शीट्स मिलती है ना, जिस शीट्स के ऊपर वो जो हम मार्क करते हैं, जो गोले होते हैं जिनको भरना होता है, सर्कल्स, समझ रहे हो, उन्हीं को बोला जाता है ओएमआर शीट्स, याद आप सभी को। तो उस ओएमआर शीट्स पे जो आपने रिस्पांस दिए होते हैं उनको रीड करने के लिए, बेसिकली कंप्यूटर में पहले से ही, या एक मशीन होती है उसमें पहले से ही आंसर्स फिट होते हैं, शीट को लेते हैं बीच में डालते हैं और शीट पूरी स्कैन होकर निकलती है और पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन के आंसर स्टूडेंट ने सही दिए, उसके अकॉर्डिंगली उसको मार्क्स अलॉट कर दिए जाते हैं। तो ओएमआर भी एक प्रोसेस है डिटेक्ट करने का, जो प्रेजेंस है इंटेंडेड मार्क्ड रिस्पॉन्सेज की, जो भी आपने रिस्पॉन्सेज को मार्क किए है उसको डिटेक्ट करना, चेक करना। यह भी एक बीम ऑफ लाइट को फेंकता है पेपर के ऊपर और कैप्चर करता है कि वहां पे सर्कल में उसने मार्क किया है या नहीं किया। जिस सर्कल में मार्क करना चाहिए अगर उसी में किया है तो उसको मार्क्स अलॉट कर दिए जाते हैं। OMR को वाइडली यूज किया जाता है, जो मैंने अभी बताया, रीड करने के लिए आंसर्स को, जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स होते हैं, वोटिंग एप्लीकेशंस जब की जाती है वहां भी, और दूसरे कोई भी जो इवेल्युएशन स्टडीज होती है वहां पे OMR शीट्स या OMR रीडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप अभी पता चल गया होगा, बट मैं आपको बताऊं, मुझे याद है हमारे टाइम पे जब हम 11 12th में पढ़ते थे तब भी हमारे इंस्टीट्यूशन में OMR शीट्स मिलती थी। अब वहां पर तो ये मशीन्स नहीं लगाई होती बिकॉज ये महंगी होती है। तो मुझे याद है वो चेकिंग कैसे करते थे, बहुत चलाक थे, उन्होंने क्या किया होता था, शीट के बीच जो शीट मिलती है ना OMR, एक शीट वो अपने पास रखते हैं, ठीक है, और उसमें खुद से वो क्या करते थे, खुद से वो मार्क जो सर्कल को टिक कर देते थे या मार्क कर देते थे जो सही आंसर होता था, और इतना मार्क कर देते थे उस सर्कल को वहां से फाड़ देते, मतलब कि वो पेज हटा देते थे, समझ रहे हो। और अब स्टूडेंट की शीट ली और शीट के ऊपर रखी, स्टूडेंट की शीट ये है, उसके ऊपर अपनी शीट रखी जो जहां से उन्होंने वो कट किए हैं पीसेस, और देखते थे कि अगर जो कट पीसेस हैं उसके बीच में स्टूडेंट का सर्कल शो होगा, इट मींस स्टूडेंट ने आंसर सही किया, तो अगर नहीं शो हुआ तो स्टूडेंट ने आंसर गलत किया। इससे क्या होता, जल्दी चेकिंग हो जाती थी स्टूडेंट की। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं जुगाड़, समझ रहे हो मेरा पॉइंट। तो फिर बात आती है बायोमेट्रिक सेंसर की। बायोमेट्रिक सेंसर क्या हो गया, देखो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे मैंने पहले देखा था गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स जो होते थे, प्राइवेट स्कूल में तो इतना नहीं होता ये, बट गवर्नमेंट स्कूल्स में होता है, टीचर्स बोलते थे अच्छा ठीक है यार, मेरे फ्रेंड को बोल देते थे कि भाई आप, मैंने आज नहीं आना है, मेरी अटेंडेंस लगा देना, चल जाता था काम, बहुत बार ऐसा हुआ है। तो इवन मुझे याद है मेरे मौसी जी थे, वो भी बहुत बार मैं बैठा होता था उनके पास जब नानी घर जाता था, मासी घर जाता था, तो फ़ोन करके वो छुट्टी मना देते थे, फ़ोन करके बोल देते थे किसी को यार मेरी अटेंडेंस लगा देना, बहुत बार ऐसा हुआ, मुझे याद है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आई होप वो ये वीडियो ना देख रहे हो। तो जिसे हम प्रॉक्सी भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं आज मैंने स्कूल नहीं जाना या कॉलेज नहीं जाना, चल मेरी अटेंडेंस लगा देना, तो जो प्रॉक्सी अटेंडेंस लगा ही देते थे वो। बट इससे होता क्या था कि अगर टीचर छुट्टी मार रहे बहुत ज़्यादा, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का नुकसान होता है, वो गलत भी तो है, सैलरी ले रहे हो इतनी ज्यादा और उसके बाद आप छुट्टी मार के घर एंजॉय कर रहे हो, दैट इज टोटली रॉन्ग। तो इसलिए फिर क्या आ गया, बायोमेट्रिक सेंसर्स, इसमें चालाकी या इसमें जो वो अपना क्लेवरनेस दिखाते थे तो वो अब नहीं हो पाता, क्योंकि ये बायोमेट्रिक सेंसर है। बायो मीन्स लाइफ एंड मेट्रिक मीन्स मेजर, बेसिकली आपकी बॉडी की कुछ बिहेवियरल ट्रेट्स या बॉडी के कुछ, मैं आपको बोल सकता हूँ ऐसे ऐसे कोई एक वर्ड, प्रॉपर वर्ड जो है वो, फिजिकल ट्रेट्स जो हो गए वो रिकॉग्नाइज कर लेता है, जैसे फिंगरप्रिंट ही हो गया। तो आपको पता है अगर आप जाओगे आपका फिंगरप्रिंट जाएगा तो ही अटेंडेंस लगेगी, किसी और को तो नहीं भेज सकते या उंगली काट के भेजोगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इससे पता चल जाता था कि एक तो जो चोरी की अटेंडेंस है वो नहीं हो सकती है, और बहुत सिक्योरिटी पर्पजेज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है क्या, बायोमेट्रिक सेंसर ये भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम इनपुट दे रहे हैं। तो बायोमेट्रिक सेंसर भी एक डिवाइस है जो कि रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है फिजिकल या फिर बिहेवियरल ट्रेट्स एक इंडिविजुअल के। बायोमेट्रिक सेंसर को मेनली यूज किया जाता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ठीक है, मार्किंग करने के लिए अटेंडेंस को, एम्प्लॉयज की, स्टूडेंट्स की,
और बायोमेट्रिक सेंसर्स बहुत एक्यूरेसी से काम करते हैं, इसलिए सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लो कि मान लो हमारा मिलिट्री आपको बोल सकता हूँ, उन्होंने मिलिट्री वालों ने कोई एक बहुत सेंसिटिव उनका कोई एरिया है जहाँ पे वो नहीं चाहते कि उनके अलावा कोई और आए, या हाँ जैसे कुछ 5-6 बंदे हैं या 5-6 मिलिट्री वाले हैं वही जाने चाहिए, कोई और नहीं आने वाला, आना चाहिए वहाँ पे। तो बायोमेट्रिक सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है, उनके फिंगरप्रिंट्स को पहले से ही उसके अंदर फीड कर दिया जाता है और जब वो आएंगे अपना फिंगरप्रिंट डालेंगे चेक करेंगे मैच होगा कि ये वही इंसान है जिनका फिंगरप्रिंट अंदर है और उनको जाने की इजाज़त दी जाएगी। ये हो गए बायोमेट्रिक सेंसर्स। क्लियर गाइज? नेक्स्ट कम्स वेब कैम, जिसे हम बोलते हैं वेब कैमरा। देखो आज के टाइम पे जो आप लैपटॉप्स कंप्यूटर्स यूज कर रहे हो उनके साथ वेब कैमरा एम्बेडेड होता है, पहले से ही होता है, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले लैपटॉप्स के साथ वेब कैमरा नहीं आता था, हमें एक एक्सटर्नल डिवाइस लगानी पड़ती थी वेब कैमरा के तौर पे, और डेस्कटॉप पे नहीं होता है वेब कैमरा तो वहां भी एक्सटर्नल डिवाइस लगाई जाती है। वेब कैमरा के जरिए हम क्या करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। आज के टाइम पे वेब कैमरा तो बहुत यूज़ हो रहा है क्योंकि ऑनलाइन कितनी चैटिंग हो रही है, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, वीडियो चैट हो रही है, और वेब कैमरा का हाई एंड यूज़ होता है कहाँ पे, प्रोफेशनल्स के द्वारा, बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा। तो वेब कैमरा इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस बिकॉज वो आपका इनपुट ले रहा है, आपका चेहरा ले रहा है, आपकी बातें ले रहा है, साउंड ले रहा है, हर वो चीज़ जिसकी ज़रूरत है। तो वेब कैमरा ये एक वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है, इस पे एक डिजिटल कैमरा होता है अटैच टू कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। इसे यूज़ किया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑनलाइन चैटिंग के लिए, और आज के टाइम पे वेब कैमरास जो है वो एम्बेडेड आते हैं कंप्यूटर्स के साथ। क्लियर गाइज? द लास्ट वन इज माइक्रोफोन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं माइक। माइक भी एक इनपुट डिवाइस है, ये मैं माइक यूज कर रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस, कुछ बोल रहा हूँ आप तक पहुँच रहा है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, जो मैं कुछ बोल रहा हूँ ये जो साउंड रिसीव कर रहा है इसे कन्वर्ट करता है किसमें, कंप्यूटर के फॉर्मेट में या डिजिटल फॉर्मेट में या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है, और उसे आगे ट्रांसफर करता है। वेट करो भी बार, उसे आगे ट्रांसफर करता है, समझ रहे हो मेरा पॉइंट? बट इसके लिए एक एडिशनल हार्डवेयर की जरूरत होती है जिसे हम बोलते हैं साउंड कार्ड। क्या जरूरत होता है, एक साउंड कार्ड यूज हमारे पास पहले से इंस्टॉल होना चाहिए कंप्यूटर में, वो होता भी है। और आज के टाइम पे आपको पता है स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा कुछ टाइप करना है, मेरा मन नहीं कर रहा टाइप करने का, तो मैं क्या करूँगा, उसी माइक में कुछ बोल दूंगा तो उससे क्या होता है वो वर्ड्स ऑटोमेटिकली रिटन फॉर्म में आ जाते हैं हमारे सामने। तो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आपके स्पोकन वर्ड्स डायरेक्टली अपेयर कर जाएंगे डॉक्यूमेंट में। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो गाइस एक रिवीजन देते हैं, क्विक रिवीजन, क्विक रिस्पांस, क्यूआर कोड नहीं, क्विक रिवीजन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन में हमने बताया दो टाइप की, कैपेसिटिव और रेजिस्टिव। एक इनपुट डिवाइस है, हम अपने फिंगर टिप के जरिए या स्टाइलस के जरिए इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। फिर हमने बार कोड रीडर देखा। बार कोड क्या होता है, ये स्ट्राइप्स होती है या स्ट्रिप्स होती है ब्लैक और वाइट लाइन्स की, इसके अंदर इंफॉर्मेशन लोडेड होती है या इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर इस्तेमाल किया होता है, सुपरमार्केट्स में बहुत इस्तेमाल है इसका। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये जो ओएमआर शीट्स होती है हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में इस्तेमाल की जाती है, हमारे रिस्पॉन्सेज को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बायोमेट्रिक सेंसर जो हमारे बिहेवियरल या फिजिकल ट्रैट्स का यूज़ करता है सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, अटेंडेंस के लिए। वेब कैमरा वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है जो कि हमारे ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो चैटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। पहले ये नहीं आता था, आज के टाइम पे ये उसके साथ एम्बेडेड होता है लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स। माइक्रोफोन जिसके ज़रिए हम कुछ बोलें और डायरेक्टली हमारी आवाज़ जो है वो रिटन वर्ड में आ जाए या रिटन फॉर्म में आ जाए, दिस इज़ माइक्रोफोन, इट इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। तो गाइस ये सब था, और माइक्रोफोन के लिए मैंने बताया एक एडिशनल हार्डवेयर जिसे साउंड कार्ड बोलते हैं उसकी ज़रूरत होती है कंप्यूटर में, वो इंस्टॉल होना चाहिए। आई होप आप सभी को ये जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस इनपुट डिवाइस को कंप्लीट करके आउटपुट डिवाइस शुरू करेंगे, कल वो आपको मिल जाएगी कंप्यूटर की। रोज़ आपको एक वीडियो मिल रही है, आगे भी मिलती रहेगी, और इसी के साथ पैरेलल हम मैथ्स या रीजनिंग के भी वीडियोज़ जो हैं वो आपके लिए लाते रहेंगे। और गाइस मैं आपको एक बात बता दूँ, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, आपका जो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की जो आप बात कर रहे हो हम पे छोड़ो, आने वाले समय पे आपकी वो प्रॉब्लम भी दूर होगी,
ये मेरा वादा आप सभी के साथ, और आपको पता है मैं जो वादा करता हूँ मेरे को निभाना आता है। आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स अ लॉट।